महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानून के विरोध में सोमवार को भारत कृषक समाज से नाराजगी दर्ज कराई। पदाधिकारियों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने सहित महंगाई, बेरोजगारी पर नियंत्रण की मांग की है। कृषक समाज ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था से जनता त्रस्त है। लोगों का भाजपा से विश्वास उठ गया है। जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। भाजपा सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो वादे करके भाजपा सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के बाद उसके विपरीत कार्य किए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सभी किसान संगठन जो देश के हैं, उन लोगों ने आज मिल करके एक भारत बंद का एक आह्वान किया है, जिसमें किसानों की जो काले कानून बनाए गए हैं किसानों के विरोध में केंद्र शासन द्वारा, उसके विरोध में हम लोग उनकी मांगों को समर्थन करते हुए आज हम महामहिम राज्यपाल के ये ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। ऐसी कौन सी मांगे हैं? ये किसान के जो विरोध में काले कानून तीन बनाए थे केंद्र सरकार ने, जिसमें मतलब कि जो MSP पर भाव MSP पर को तय किया जाए, मंडियों में खरीदी की जाए, इस तरह के जो बड़ी कंपनियों के माध्यम से किसानों का एक जो कंपनी बना करके एक किसानों के जो विरोध में कि भाई जो किसानों के जो भाव उचित मूल्य मिला जाए, खाद के दाम कम किए जाए, खाद की उपलब्धता बढ़ाई जाए, और जैसे जो बेरोजगार किसान हैं, किसान हैं जो उनके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पढ़ लिख करके उनको रोजगार दिया जाए, इस तरह की मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव, भारत समाज अध्यक्ष, जिला पंचायत। जो शासन ने तीन कृषि विरोधी कानून है उसके समर्थन में आज समर्थन दिया है। इस समर्थन के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों का लिए आह्वान कर रहे हैं कि ये जो तीन नए कानून है, इनकी पुरजोर जो हमारी मांगे हैं उसका समर्थन हम सब करते हैं, और मंडियों में इनको उचित भाव मिलना चाहिए। आज भी कृषक हमारा बहुत परेशान है। आज भी जो 6,000-7,000 भाव का कपास आज मंडी में 2,000-2,500 में बिक रहा है, 1,300 में बिका, तो ये कृषकों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इस कानूनों के माध्यम से शासन कोई निर्देश प्राप्त नहीं दे रहे हैं और व्यापारी अपने मन भाव से भाव दे रहे हैं। MSP के नाम पर लूट मचा रखी है। इस लूट के साथ में हम कृषकों के साथ में खड़े हैं, और जो शासन ने मध्य प्रदेश शासन और राज्य केंद्र शासन, इन दोनों ने मिल के कृषकों का खून चूसने का कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, घर का बिजली बिल भी आता है और पंप का भी। डीजल के भाव अनाप शनाप है, पेट्रोल के भाव अनाप शनाप है, गैस के टंकी के भाव अनाप शनाप है, जिससे हर आदमी इस महंगाई के दौर में उससे जूझ रहा है। इन सब बातों को लेकर हमने SDM साहब को ये परिपत्र दिया हुआ है, जिससे कि हम सब भारत कृषक समाज के सदस्य उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? पूरे भारत में भारत बंद का व्यापक असर, पूरा भारत बंद का असर है। खरगोन के अंदर इसका कोई ऐसा नहीं? खरगोन के अंदर चूंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार विरोधी सरकार बैठी हुई है, और जहाँ पे हर लोगों की हमारी सिर्फ एक ही यूनिट है, भारत कृषक समाज, जो इनका पुरजोर समर्थन करती है, बाकी ये सब उनके चट्टे पट्टे अभी छुपे हुए हैं, जो शासन के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते। जो उनके दलाल हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, छाती खोल के 56 इनका सीधा नहीं बता सकते। आज हम उस चीज़ को हम उजागर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है, भारत कृषक समाज का सचिव हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।